नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अर्शद वारसी ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है यहाँ पे और काफी चर्चा में ये बयान, और काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और आना भी नहीं चाहिए। विशेषकर अन्ना के जो प्रशंसक है, प्रवास के प्रशंसक है, उनके लिए तो ये बयान काफी ज्यादा एक शॉकिंग बयान है। दरअसल अर्शद वारसी ने कल की 2898 देखने के बाद में ये कहा कि मुझे फिल्म कोई ज्यादा विशेष अच्छी लगी नहीं है और अमित जी का तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है, अमित जी ने तो बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है और काश ऐसी पावर हमारे पास भी होती जैसी पावर उनके पास दिखाई गई है। तो उनकी तो उन्होंने प्रशंसा के फूल बांध दी है, लेकिन दोस्तों उन्होंने प्रभास को आड़े आते लेते हुए कहा कि प्रभास मुझे बिल्कुल भी इस फिल्म में जचे नहीं और बिल्कुल जोकर की तरह वो लगे है। मतलब प्रभास को उन्होंने एक तरीके से जोकर बोल दिया है और ये बात मतलब किसी भी हालत में स्वीकार करने योग्य नहीं है। कैसा भी रोल जो भी है, मतलब इतने लोगों ने पसंद की है, करोड़ों लोगों ने फिल्म देखी है और क्रिटिक्स ने पसंद की है, ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई है, 1150 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है ऑलरेडी। और प्रभास ने सिद्ध कर दिया कि वो सबसे बड़े पैन वर्ल्ड स्टार है, मतलब इतना बड़ा कलेक्शन लाने वाले, 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली। पठान का जवान का फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ा है और हिंदी में भी 300 करोड़ के आसपास फिल्म है। तो इतना बड़ा कलेक्शन करने के बावजूद अगर आप उस फिल्म के मेन हीरो को, मेन कलाकार को अगर आप जोकर बोलते हैं तो ये कैसे भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, कैसे भी ये बात मतलब कतई ही स्वीकार नहीं की जा सकती। और डेफिनेटली इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है मीडिया में भी और प्रभास के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं अर्शद वारसी को। इसके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं पसंद आई तो एक आप साधारण शब्दों में एक विनम्र शब्दों में आप कह सकते हैं मुझे फिल्म पसंद नहीं है, मुझे प्रभास का काम अच्छा नहीं लगा, उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, लेकिन डायरेक्ट जोकर बोलना ये तो मतलब बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं बात है नहीं। जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको रिपोर्ट्स दी है, तो काफ़ी कुछ मतलब ये एक क्रिटिसाइज वाला काम इन्होंने कर दिया। और भी कई बार वो ऐसे स्टेटमेंट आते रहे, उनके गदर 2 वगैरह कई फिल्मों के बारे में उनके बयान आए हैं और खैर उनकी पसंद। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के ऊपर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय।